हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार, स्वागत है हमारे चैनल प्लस ट्यूब पर। दोस्तों, आज है आपका टारगेट डे 22 और कल का जो टारगेट है उसमें थोड़ी सी मैंने टास्क बढ़ा दी थी और आज के टारगेट को बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सेक्शन बढ़ाएंगे तो कुछ सेक्शन घटाना भी पड़ता है। ठीक है, कल के टारगेट में एक कमेंट आया था कि भैया मैं जो मैथ्स का है प्रिपरेशन वो अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पीड नहीं आ रही है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई, स्पीड लेने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। पहले मैं डेली आपको कहता हूँ कि कैलकुलेशन पे 45 मिनट एक घंटे तक टाइम दो, आप नहीं देते होंगे। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैथ्स को जितना आसान बनाना होता है वो कैलकुलेशन के सहारे बनाया जा सकता है। आपको कंसेप्ट मालूम है लेकिन आप बेसिक कैलकुलेशन करते हो तो फिर कंसेप्ट मालूम रहने का क्या फ़ायदा और फिर आपको ट्रिक अप्रोच ही होने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। कैलकुलेशन ही बेसिक करोगे तो टाइम तो सारा वहीं इन्वेस्ट कर दोगे, फिर आपका और जो हल्के क्वेश्चन से या फिर दूसरे क्वेश्चन से वो बनाने में आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। इसलिए डेली कंपलसरी तरीके से डेली का डेली आप कैलकुलेशन पे ध्यान दो, कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन इतना ज़्यादा इम्प्रूव करो जैसे आप टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फार्मूलाज जो भी है उसको भी इसी में डाल दो। उसके बाद जो फ्रैक्शंस है चेंज करने के लिए, परसेंटेज जो है, इन सभी का कैलकुलेशन जो है डेली का डेली प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आपका फास्ट होगा सोचने की, हाँ यहाँ पे ये वाली दोनों का रिजल्ट ये आता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइडेड इन सब। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, इसलिए डेली मैं 100, 150, 200 क्वेश्चन क्यों देता हूँ। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्सेप्ट अपने आप इस दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चंस इस टाइप का मैंने 20 क्वेश्चंस लगाए हैं। अरे एक बार नहीं तो 20 बार तो आपने उस कॉन्सेप्ट को सोचा होगा, बनाया होगा, फिर कैसा दिमाग है यार, याद नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी मैथ की स्पीड, लेकिन देह चोरी करोगे तो फिर ऐसे ही बहाना बनाना पड़ेगा, भैया मैथ का स्पीड नहीं बढ़ रहा, पढ़ तो बहुत रहा। ठीक है, बुरा मत मानना मेरे भाई लेकिन बता रहा हूँ वास्तविकता है। ठीक है, दूसरी जो एक और डाउट था कल का कि भैया जीके के लिए लूसेंट एनफ है या नहीं। भाई मैं अपने टाइम के बाद बता रहा हूँ, जब मैं एनटीपीसी 2019 की प्रिपरेशन कर रहा था मैंने 90% एफर्ट सिर्फ लूसेंट को दिया है, 10% ही मैंने इधर उधर यूट्यूब से या फिर कहीं से पीडीएफ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया था, जो कि काम आया। मैं उसके बारे में भी बताऊँगा कहाँ से क्या एट ए टाइम लिखना है, लेकिन लूसेंट को यार नेग्लिजिबल मत करो, हल्के में मत लो। लूसेंट इज बेस्ट रेमेडी फॉर एनी वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो बहुत ही रामबाण बुक है, आप उसको मेहनत करके अच्छे तरीके से पढ़ो तो सही। बहुत सारे लोग उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, डिस्क्रिप्टिव जैसा है तो बोलेंगे यार ये बोरिंग लग रहा है यार, क्योंकि उन्हें वो एमसीक्यू पढ़ने की आदत है। लेकिन भाई अब एमसीक्यू वाले ज़माने नहीं रहे, आपको पॉइंट पॉइंट कोने कोने की नॉलेज होनी चाहिए हर कंसेप्ट हर विषय पर, तभी आप जाकर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आप फ्लैट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, भारत का राजधानी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री क्या है। एग्जाम्स में ऐसे पूछेंगे कि भारत के उस काल में प्रधानमंत्री के समय में वित्त मंत्री कौन थे, तो इस तरीके से आप पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे, नहीं तो आप फ्लैट पढ़ लेंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो क्या बताएंगे। इसलिए जिस स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, 100 चैलेंज को फॉलो करवा रहा हूँ, आप करते रहो। उम्मीद है कि इतनी मेहनत तो आप कर लोगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और बात करें तो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट जो है डे 30 के बाद स्टार्ट करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर को, तो उम्मीद है कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो डे 30 के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और डे 30 से दो टाइप के मॉक टेस्ट होंगे, एक प्रीवियस ईयर ऑफलाइन में लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर ऑनलाइन में लगा सकते हो। ऑफलाइन के लिए अभी किरण पब्लिकेशन लॉन्च कर रही है, मैंने कल इसको डाउनलोड किया था, देखो आप यहाँ पर ये जो बुक्स है देखो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा और इसका ये आपका इधर देखना ये हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। ये दोनों ही इंग्लिश हिंदी मीडियम जो बुक्स है वो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है ये प्रीवियस ईयर के लिए। बाकी ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दोनों तरफ देख लो, ये टेस्ट बुक है और ये भी बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो।
मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, किस तरीके से उसको एनालिसिस करना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, फिर किस तरीके से रिवीजन करना है, इन सब के बारे में एक वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा ओनली फॉर मॉक टेस्ट। उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा और उसके बाद डेली का मॉक टेस्ट मैं दूंगा। और मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट करेंगे तो वीकली वन करेंगे, फिर 15 दिन के बाद वीकली टू करेंगे, उसके बाद जब डे 50 तक आपका टारगेट आ जाएगा उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी तरीके से लगाना है और एनालिसिस भी करना है। इसलिए आप तैयार रहना और बढ़िया तरीके से टारगेट को छोड़ो मत। बीच में भी ज्वाइन किए हो तो कंटिन्यू लगाए रखो भाई, और ओवर टाइम करके जो भी बच्चा कुछ टारगेट है उसको ख़त्म कर लो, ठीक है। उसके बाद हम एक समय पे इस परिपक्वता पे पहुंच जाएंगे कि आप मॉक टेस्ट में आराम से 70 प्लस तक स्कोर कर सकते हो। बाकी जो 30 स्कोर है वो बढ़िया क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स का ही मिश्रण होगा, जिसको हम एक टाइम पर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेट टारगेट 22। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, और वीडियो को तो लाइक नहीं करते हो यार, मैं बोल के थक गया हूँ, थोड़ा भी अगर इच्छा हो तो कर देना, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में। आज है आपका टारगेट डे 22। टारगेट डे 22 जो है इसमें हम थोड़ी सी टास्क ज़्यादा ऐड करने वाले हैं, क्योंकि कल आपका संडे और सैटरडे दो दिन का रेस्ट होगा, दो दिन आपके रिवीजन डे होंगे, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा करके फिर कल आप रिवीजन करोगे, ठीक है। बहुत सारे लड़कों का छूट गया है तो वो कल एक्स्ट्रा एक टास्क को ऐड कर सकते हैं रिवीजन के साथ साथ। मैथ्स में अभी दो दिन से हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मैंने पहले दिन बताया था बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सक्सेस परसेंटेज क्या होता है, इन सब के बारे में। कल आपने प्रिंसिपल, टाइम और रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसको सीखा होगा। आज आपको क्या करना है, पूरे कंसेप्ट को एक बार फिर से रिविज़न करना है। रिविज़न करने के साथ साथ आपको उस बुक में, ब्रह्मास्त्र में, या फिर जो भी आपके पास कंसेप्चुअल बुक है, वो चाहे किसी भी टीचर का क्लास नोट्स है, उससे आपको एग्जांपल्स को सॉल्व करने हैं। एग्जांपल्स सॉल्व करने के बाद आप उठाना किरण का पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। आज आप टाइप वन लगा लो, टाइप वन में महज लगभग 135 है, उस 135 को आप लगाओ, अच्छे तरीके से बनाओ, और जो भी क्वेश्चंस को लगे कि हाँ ये थोड़ा टिपिकल है उसको स्टार मार्क कर दो, क्योंकि अगली बार उसको फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो मैथ में आज इतना ही निपटा लो, फिर देखेंगे अभी एक बार ख़त्म होने के बाद सिलेबस फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर से नए पीडीएफ और पीपीटी के साथ हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, जिनका भी प्रॉब्लम है, बार बार डाउट्स आ रहा है कि मेरा भैया मैथ स्लो चल रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, तो भाई मैथ्स जो है अगर 70 से 75% आपका कंसेप्ट है ठीक है, तो 30% आपका कैलकुलेशन भी है। बिना कैलकुलेशन के आप कभी भी मैथ को बहुत जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। गुना, भाग, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करोगे स्लो मेथड से कर रहे हो, बचपन के मेथड से कर रहे हो, बैठ के एक चार अंकों के गुना कर रहे हो बैठ के, तो उस तरीके से कभी भी आप एक किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम समय में नहीं कर सकते हो। इसलिए परसेंटेज, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब को टेबल्स 1 से 25, 30 जितना भी पॉसिबल हो याद कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने बहुत सारे छोटे चैप्टर्स को ख़त्म कर दिए हैं, अगला आज छोटा चैप्टर जो है इसको भी ख़त्म करेंगे। कल आपने अर्थमेटिक पढ़ा था, अर्थमेटिक की जो रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, उसको पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो होता है वो अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी सामान होते हैं, कोई भी वस्तु होता है, एक उसको एक लॉजिकली, पूरा ये जो चैप्टर है ये बेस है आपके कॉमन सेंस के ऊपर, लॉजिकली रूप से आपको ये अरेंज करना होगा। जैसे आपको बता देगा पहले कि बीमार, डॉक्टर, मेडिसिन, अस्पताल, इलाज, फिट, तो इसको आप अरेंज करिए। तो इसमें कैसे, स्टार्टिंग से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करना होगा, कि आप पहले बीमार पढ़ेंगे, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर मिल लेंगे, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, ट्रीटमेंट के बाद आप फिट हो जाएंगे। तो ये एक कॉमन सेंस का खेल है, छोटा चैप्टर है, 90 है, इसमें आपको बना लेना है, बना लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आते ही आते हैं, एक या दो भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करें अब हम जीके में, तो जीके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज साइंस का चैप्टर 6 आपको पढ़ना है, स्टैटिक पार्ट में, ठीक है। स्टैटिक पार्ट में अगर आप पढ़ लेते हैं आप एनसीईआरटी के,
तो अभी जब आपका टेंथ ख़त्म होगा तो हम नाइन्थ का एग्जाम्पलर सीरीज शुरू करेंगे। डेली एक पीडीएफ दूंगा आपको, डेली उस पीडीएफ को सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी डाउट्स है आप डाउट ग्रुप में पूछोगे, उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर स्टार्ट होंगे। फिर मैं चैप्टर वाइज नोट्स खोज खोज के आपको भेजता रहूँगा, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का भी जुगाड़ लगा रहा हूँ, बुक्स को ऑर्डर कर दूंगा फिर मैं, क्योंकि आप तो बुक्स खरीदने से रहे, आप पीडीएफ के भरोसे बैठे हो। बार बार बोल रहा हूँ बुक्स ले लो भाई, बुक्स लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ लोगे तो सबसे पहली बात तो आपको दिक्कत आ रही है पढ़ने में। अब बात करें इतिहास की, तो इतिहास में आपको खिलजी वंश पढ़ना है। कल आपने गुलाम वंश पढ़ा होगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजा सुल्तान, इन सब के बारे में, बलबन के बारे में। आज आपको खिलजी वंश पढ़ना है। खिलजी वंश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पॉलिटी की बात करें तो न्यायपालिका में घुसते हैं हम, तो न्यायपालिका में सबसे पहले आज आप सर्वोच्च न्यायालय पढ़ोगे और कल हम आप फिर उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है ना, या उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय में आपको क्या पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी न्यायाधीश हैं, फिर न्यायाधिकारी हैं, वकील हैं, कुछ भी हैं, उनकी नियुक्तियाँ कैसे होती है, उनकी नियुक्तियाँ जो है वो किस तरीके से होंगी, क्या प्रोसेसिंग है उसकी नियुक्ति की, उनकी योग्यताएँ क्या होनी चाहिए नियुक्ति के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है योग्यताएँ। योग्यता के बाद उनका जो पद है वो पद क्या है, वेतन क्या है, उनको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती हैं, उनका क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है, अधिकार क्षेत्र क्या क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस अच्छे तरीके से पढ़ना सर्वोच्च न्यायालय में से, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो भी इसमें दिखेगा आपको उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। अब अगर बात करें हम लोग ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप कल ख़त्म किए होंगे, आज ज्वारभाटा पढ़ लेना, छोटा टॉपिक है एकदम। और वायुमंडल में आप स्टार्ट करना, तो वायुमंडल में पहला नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस पढ़ लो, फिर हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे और ओजोन के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आप आज ज्वारभाटा में वायुमंडल और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम ज्योग्राफी में धीरे धीरे कुछ टॉपिक को स्किप करेंगे 10 दिनों के बाद, और फिर हम इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे, पैरेलली दोनों को चलाएंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड और दोनों को साथ में रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर डाउट्स के, तो डाउट सेशन जो है, तो आज मेरी रात को ड्यूटी है, तो मैं सैटरडे रात को आऊँगा, तो संडे को कंपलसरी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच में कभी भी मैं शेड्यूल कर दूंगा डाउट सेशन। तो डाउट सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि हफ्ते में एक बार आपको अपने डाउट्स क्लियर करने के मौके मिलते हैं, मुझसे बात करने का मौका मिलता है, इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। और हो सकता है कि कल के डाउट सेशन, संडे के डाउट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करें, तो ज़रूर जुड़ना इसमें, एटलीस्ट तो 100 स्टूडेंट तो जुड़ लेना भाई, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे जितना अभी तक पढ़े हो, क्योंकि इसमें जुड़ोगे तो आपको अगले टेस्ट जो होने वाले हैं J30 के बाद उसको, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर पलास्टिव ऑफिशियल, या फिर पलाश कुमार कुछ भी सर्च करोगे तो मैं आ जाऊँगा, और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो कुमार पलाश या पलाश कुमार सर्च करके, और ट्विटर पर भी पलाश कुमार सर्च करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहता हूँ, थोड़ा सा अनऑफिशियली। और बात करते हैं अगर आपके टुडे आज के टारगेट की, तो उसके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी शुभकामनाएँ, बहुत ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।